वेलकम यूट्यूब चैनल विक्रम बटालवी। तो मैं जी अज श्रीनगर खीर भवानी, तो यह हैगा जी अपने श्रीनगर तो कोई 30 किलोमीटर। तो चलो जी अज आप करते खीर भवानी माता जी के दर्शन। आ जाओ यहाँ है जी जूते रखने की जगह, तो यहाँ रखते हैं हम जूते। तो भाई आगे आगे जा रहे हैं हमारी पार्टी, तो ये है जी माता जी के मंदिर जाने का रास्ता। चलो ये है जी माँ खीर भवानी जी, आप करो जी दर्शन। हजारों नाते होते हैं, मेरे हजारों रिश्तेदार हैं,
मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लंका में आओ और मेरे कुल की जो है रक्षा करो। तो माँ भगवती जो थी वो प्रसन्न होकर लंका में प्रवेश करती है महाराज के। तो रावण जो था वो अहंकारी और अत्याचारी हो जाता है, उसे लगता है कि इस सृष्टि में मेरे जैसा महान कोई नहीं है। उसके अंदर अहंकार आ गया और अत्याचारी हो गया, वो इतना अहंकारी और अत्याचारी हो गया कि उसने माता सीता का जो है हरण कर लिया। माता सीता का हरण करने के बाद जो है रावण श्री राम द्वारा युद्ध में मारा जाता है, उसका सारा कुल जो है नष्ट हो जाता है। तो माता जी थी वो हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान जी आप मेरे को यहाँ से नहीं चलिए, ये धरती जो है अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि रावण जो था एक ब्राह्मण था और जहाँ ब्राह्मण की हत्या हो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप माता हो, मैं आपको कैसे भेज सकती हूँ। तो माता जी ने कहा कि आप बड़े बुद्धिमान हो, आप अपनी बुद्धि से मुझे ले चलिए, कैसे ले चलोगे आप जानते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ यदि आप जल बन जाओगे तो मैं आपको करमंडल में डाल के ले चलूँगा, कि जल जो है सबसे पवित्र माना जाता है। तो माता जी जो थी उन्होंने जल रूप धारण किया और हनुमान जी ने उन्हें करमंडल में लेके 160 नागों के साथ यहाँ विराजमान। तो ये जो आप जल देख रहे हो जल ही माता है, जल रूप में माता यहाँ पर विराजमान। ये जो अंदर आप मूर्तियाँ देख रहे हो ये पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में पहला मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग के साथ माता है। जी आपने देखा होगा कि शिवलिंग के साथ कोई भी देवी या देवी नहीं होती, ये पहला मंदिर है पूरे वर्ल्ड में जहाँ माता विराजमान। और ये मूर्तियाँ इस जल में से निकली हुई स्वयं हुई, इनकी स्थापना 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा की गई थी, जो जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा। सपने में एक देवी आई, उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े राज्य के इतने बड़े राजा हो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मंदिर बनाओ यहाँ पर, मैं तो विराजमान हूँ जल रूप में। तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि आप मंदिर बनाया जाए। जब वो मंदिर बनाने लगे तो उनको इस जल में से ये दो मूर्तियाँ मिली, शिव और शक्ति इंसान। जो मूर्ति उन्होंने राजस्थान से लाई थी यहाँ स्थापित करने के लिए, उन्होंने साथ वाले मंदिर में स्थापित कर दी और ये मूर्ति उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दी और माता जी को खीर का भोग लगाया और इसलिए इनका नाम खीर भवानी माता है। तो बोली खीर भवानी माता की जय। और जो क्या देख रहे जल के जो है सात कलर चेंज होते हैं। हाँ जी, तो सात में से यदि काला और लाल हो जाए तो देश पे कोई भारी संकट आने वाला होता है, कोई भारी आपदा आने वाली होती है। तो इनकी माता रानी जो है वो इंडिकेशन देती है पहले कुछ होने वाला है। जी, तो कोरोना काल में कोविड टाइम में लगभग 40-45 दिन इस जल का जो कलर था पूरा काला था, ब्लैक था। और 99 में जब कारगिल में युद्ध हुआ था उस समय इसका कलर रेड हो गया था। जी, उस समय हमारे हज़ारों सैनिक जो थे, हमारे हज़ारों जवान जो है मारे गए थे कारगिल में, शहीद हो गए थे। तो ये माँ भगवती हैं जो कि साक्षात जल रूप में यहाँ विराजमान हैं। जय माता दी। सभी हाथ जोड़ के माँ भगवती का ध्यान दें, गणेश जी का ध्यान दें, अपने सदगुरु जी महाराज का ध्यान दें कि माँ भगवती आपके चरणों में अरदास करते हैं। सुख शांति बनाए रखना, कल्याण करना, मंगल करना, ग्रह दूर करना, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, जय जयकार करना, ग्रहों से बचाना, शत्रु से बचाना, धीर वायु करना। ओम शुक्लाम वर्धनम विष्णु शिशोरणम चतुर्भुजम प्रसन्न वर्धनम व्याय सर्वजनो शांताय आओ विद्याक्षितम पूजितो या शरीर वै सर्वविघ्नो नस्ति तस्मै श्री गणाधिपते नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवा महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अखंड मंडलाकारं व्यासुदीन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरु शांतां प्रतीक्षां शिवरूपिणा शिरसा योगपीठधर्मकामासे जर्थात् हरोऽस्ति गुरु सकौ गुरुरिष्टि कदाचित् सर्वदेव सर्वपाय शिवाय गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परमाचार्ये नमः। आदि सिद्ध्याय नमः। सर्व मंगल मंगल्ये शुभे सर्वासांति लक्ष्मी रूपी संस्था नमस्ते 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 नमो नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जनाम मंगलम जलाय हरि तो यहाँ मिलता है खीर का प्रसाद, thank you.
मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति है जी। पंडित जी ने सारी जिनी भी हिस्टरी है जी माता खीर भवानी जी की वो तुहानू दस दिती है जी, दसन की लोड़ नहीं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर और सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता।